जेएसएससी टेस्ट सीरीज 5 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है? देश राजधानी पुर्तगाल, लिस्बन, नाइजर, नियामी, इक्वाडोर, क्वीटो, म्यांमार, प्राग। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखेंगे, निम्न में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? देश मुद्रा मिस्र, पाउंड, दक्षिण अफ्रीका, रैंड, युगांडा, डॉलर, डेनमार्क, क्रोन। तीसरा प्रश्न है, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, ऊपर से नीचे ओर, इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पवित्र बौद्ध महायान ग्रंथ ललित विस्तार सूत्र तथा अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, संस्कृत, पाली, तमिल। निम्न में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली, केरल, मोहिनीअट्टम, मणिपुर, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। छठा प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग, एमहर्स्ट, कैनिंग, ऑकलैंड। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? नलिनी, सरोजनी जी, एनी बेसेंट, कादम्बिनी जी। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था कौन? युगांतर, अनुशीलन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, अभिनव भारत। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है क्या? ये ऊंचा स्थान है, जलपोत के नाते, पर्वतीय क्षेत्र के एक उत्सव के कारण, जनजातीय रूप में। भारत की किस प्रदेश की सीमाएं निम्न देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है वह है मिजोरम, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, ट्रांस और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस और शिवालिक के बीच, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ग्वालियर पहाड़ियाँ, अमरकंटक। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का, लोनार, सांभर, वुलर। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति की अध्यक्ष राजेंद्र जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, टंडन जी। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 29, 24, 32। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67, 69, 68, 70। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19, 20, 21, 22 अनुच्छेद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? 2020, 16, 2019, 2018। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2011, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है 3.5-4.5%। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950, 1960, 1969 और 29। आर्थिक समीक्षा 2022-23 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन से अधिक रही 30.5%, 25.5%, 27.5%। अगला है, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? 10, 16, 14, 19। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मोदी जी ने, जिनपिंग जी ने, पुतिन जी ने, सोनारो जी ने। अगला है 26वां, डीआरडीओ द्वारा 27 सितंबर 2021 को आकाश मिसाइल के नए उन्नत संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया गया था, तो मनई मिसाइल का नाम क्या है? आकाश प्राइम, आकाश फाइन, आकाश टिलक्स, आकाश एम। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ। निम्न में से पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं? अवनी लेखरा, देवेंद्र जाजरिया, भावना बेन पटेल, मरियप्पन थंगा बेलो। कमला हैरिस फोनोमेनल वुमेन पुस्तक के लेखक हैं कौन? राजघट्टा जी, श्रीनिवासन जी, फोगट जी, प्रकाश सिंह जी। निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? काटाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से। अब झारखंड के कुछ प्रश्नों को देखेंगे।
ISFR के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला का सही क्रम कौन सा है? जामताड़ा, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह। गिरिडीह, देवघर, दुमका, धनबाद, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम। अगला है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा झारखंड के छात्र छात्राओं को किस स्तर के शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, इनमें सभी। नए राजकीय चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? राज्य के ऐश्वर्य, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। झारखंड के महान इतिहास, संस्कृति, सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है। इनमें से सत्य कथन है, सभी सत्य कथन है। 34वां है, झारखंड की जनगणना से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.44% है। झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश का स्थान 10वां है। झारखंड की साक्षरता दृष्टि से देश में स्थान इसका 30वां है। तो कूट है 1-3, केवल 2-1-2-3। पाइका नृत्य के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करते नृत्य करते हैं। इसमें रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। यह एक युद्ध नृत्य है। यह नृत्य संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। मुंडा जी के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन जो है भारत महोत्सव रूस में किया गया, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कूट के माध्यम से जवाब देना है। झारखंड की वाद्य यंत्र मादर के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह झारखंड की प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है, जिसे तुमदुक भी कहते हैं। इसका निर्माण मिट्टी लकड़ी के गोलाकार खोल के टुकड़े दो सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। कूट के माध्यम से जवाब दें। अगला है, झारखंड के प्रमुख त्यौहार वंदना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। इसकी शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। यह त्यौहार पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें कपड़ों तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है। सभी कथन सत्य है। 38वां, झारखंड का जो प्रमुख मेला है मंडा मेला किन जिलों में मनाया जाता है? हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, उपयुक्त सभी। 39 है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में निम्न में से सही कथन पर विचार करें। झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5,00,000 रुपये तक का बीमा होगा। इस योजना के तहत सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। कूट के माध्यम से जवाब दें। अगला है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी स्वच्छ संचालित किस प्रोजेक्ट के अंतर वाशन से समझौता किया? सहाय योजना, सखी प्रोजेक्ट, शिशु प्रोजेक्ट, उड़ान प्रोजेक्ट। अगला है, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आंकड़े इकट्ठा करने के उद्देश्य से खैरियत पोर्टल किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरुआत किया गया? चलिए अब यहाँ देखेंगे। अगला, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अगला है, झारखंड की कौन सी तीरंदाज खिलाड़ी जो दुनिया की नंबर एक तीरंदाज बन गई हैं? 44वां देखिएगा, पर्यटन नीति 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसे पढ़ लीजिए। अगला है, झारखंड राज्य से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में सही सुमेलित कौन है? इसे देख लीजिए। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। यह बैस नहीं, अब बदल चुके हैं। तो राज्यपाल के रूप में जो अभी सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनका क्रम क्या है उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। निम्न में से झारखंड का पहला परिवहन नगर कहाँ बनाया जा रहा है? झारखंड विधान सभा के मंत्रिमंडल में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसे एक बार देख लीजिएगा। 49 है, झारखंड का कौन से जिले बिहार को स्पर्श करते हैं? ऐसे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते। निम्न में से झारखंड के उत्तरवर्ती नदियां कौन कौन से हैं?